गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टू ऑल? ऑल आर गुड, ओके। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क आ रहा है, रोज कर रहे हो आप, वीडियो देख रहे हैं आप, ये सब ओके। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एडिशन, है ना? एडिशन से पहले नंबर्स, रोमन न्यूमेरियल्स, है ना? क्लास थर्ड में आने के बाद में हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले हमने नंबर्स पढ़े थे, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit numbers। फिर उसके बाद में हमने उनका स्पेलिंग राइट करना सीखा, उसके बाद हमने रोमन न्यूमेरियल्स राइट करना सीखा है। मैं आप सभी को दे रही हूँ, आप सब कर रहे हो वो नोटबुक में, ओके। वो सब आपका चेक होगा। अब इससे पहले की क्लास में हमने क्या सीखा था? एडिशन। अब एडिशन कौन सा सीखा था? तो हमने वो सिंपल एडिशन सीखा था, है ना? आज हम लोग कौन सा एडिशन सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग रीग्रुपिंग एडिशन सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है, है ना? तो ये सिंपल है, आपने इससे पहले भी किया है, फर्स्ट में भी किया है, सेकंड स्टैंडर्ड में भी किया है। रीग्रुपिंग एडिशन मीन्स कैरी ओवर देना, ओके? तो सबसे पहले हम एक सिंपल एडिशन का प्रॉब्लम लेंगे, ओके? सो सिंपल एडिशन, सबसे पहले हम वंस की प्लेस राइट करेंगे, देन टेंस की प्लेस राइट करेंगे, और अब हम नंबर्स राइट करेंगे। सो 4, 3, 2 and 1, एंड दिस इज द साइन ऑफ प्लस। एक ही बात मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, हर क्लास में बता रही हूँ कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें वंस की साइड से ही एडिशन करना है, है ना? और नंबर से नीचे नंबर ही आने चाहिए बराबर। अगर वंस के नंबर हमें राइट करने हैं तो वंस की प्लेस पे ही आने चाहिए, टेंस के नंबर है तो टेंस की प्लेस पर आने चाहिए। इस तरह से हमें बराबर नंबर के नीचे नंबर्स राइट करने हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सा है? ये सिंपल एडिशन है, है ना? सिंपल एडिशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 4 + 2 क्या करना है हमें? यहाँ वंस की प्लेस पे कितना दिया है? 4 दिया हुआ है, और फिर 4 के नीचे 2 दिया हुआ है, मतलब वंस की प्लेस पे हमारे पास 2 नंबर है। एक है 4, देन दूसरा है 2, ओके? फर्स्ट इज द 4, देन सेकंड वन इज द 2। सो नाउ वी विल डू 4 + 2, ओके? वंस का एडिशन वंस के साथ करना है हमें, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 4 + 2। अब 4 + 2 किया, कितना मिला आंसर हमें 4 + 2 करने के बाद? यस, हम वन हैंड के 4 फिंगर लेंगे, देन अनदर हैंड के 2 फिंगर, ओके? नाउ काउंट ऑल द फिंगर्स, देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यस, सो 4 + 2, 6 मीन्स जब हमने 4 once + 2 once किया तो हमें आंसर मिला 6 once, ओके? आप इसी तरह से हम 3 10 + 1 10 करेंगे, तो 3 + 1, यस 4। जब हमने 34 में 12 ऐड किया तब हमें आंसर मिला 46। ये हमने क्या किया? इजीली कर लिया, है ना? कोई कैरी ओवर नहीं था, कुछ बोरो नहीं था, कुछ नहीं था, ये डायरेक्ट एडिशन था। मीन्स क्या है? ये सिंपल एडिशन था, 2 digit का सिंपल एडिशन। इसी तरह से हम 3 digit का भी सिंपल एडिशन कर सकते हैं, और 4 digit का। सो एक बार हम 4 digit का सिंपल एडिशन देखेंगे, ठीक है? देखना है आपको, ओके। तो चलो हम एक बार फिर से 4 digit का सिंपल एडिशन करते। तो सबसे पहले हम नंबर्स राइट करेंगे, ओके? सो 3, 4, 6, 3, देन 1, 2, 2, 1, ओके? सो अब क्या करना है हमें? हमें इन नंबर्स के नेम्स राइट करने हैं। सो दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द 100 प्लेस एंड दिस इज द 1000 प्लेस, है ना? कितने डिजिट है हमारे पास यहाँ? 4 digit है, 1, 2, 3 and 4, ओके? अब हम क्या करना है हमें यहाँ? पता चल रहा है कि हमें क्या करना है? नहीं, अब पता चल रहा है कि हमें यहाँ क्या करना है? क्या करना है? यस, यहाँ हमें एडिशन करना है। ये हमने कहाँ से सीखा?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन ने हमें ये बताया है कि हमें यहाँ एडिशन करना है। ओके, अब एडिशन करते टाइम पे फिर से हम क्या करेंगे, वंस की साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वंस का एडिशन वंस के साथ। ओके, सो 3+1 यस 4, देन टेंस का एडिशन टेंस के साथ 6+2 यस वेरी गुड 8, देन 100 का एडिशन 100 के साथ 4+2 6, और 1000 का एडिशन 1000 के साथ, सो 3+1 4। ओके, इस तरह से हमने ये जो एडिशन है वो कर लिया, कंप्लीट किया, है ना। अब ये एडिशन कौन सा है? हाँ, तो ये है सिंपल एडिशन। कौन सा एडिशन है ये? सिंपल एडिशन, क्योंकि हमने इसे इजीली कर लिया। अब हमारा चैप्टर क्या है? 4-digit numbers विथ रीग्रुपिंग। क्या करना है हमें? हमें 4-digit numbers का एडिशन करना है विथ रीग्रुपिंग, मतलब हमें कैरी ओवर देने के बाद में एडिशन करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? तो अब तक हमने क्या सीखा था? 2-digit पे एडिशन, है ना। 2-digit का एडिशन सीखा है हमने, वंस की प्लेस देन टेंस की प्लेस। ओके, अब हम यहाँ राइट करेंगे 6 और यहाँ राइट करेंगे 2, देन हम यहाँ राइट करेंगे 5 और यहाँ राइट करेंगे 1। ओके, देन गिव द साइन ऑफ प्लस। ये प्लस का साइन हमें क्या बता रहा है? यस, ये हमें बता रहा है कि हमें यहाँ एडिशन करना है। अब ये कितने डिजिट का एडिशन है? हाउ मेनी डिजिट इन दिस प्रॉब्लम? यस 2-digit, है ना, 2-digit का एडिशन है। अब हमें रीग्रुपिंग मतलब कैरी देना है, तो अब वो कैरी हम कहाँ देंगे? हाँ, तो उसके लिए हमें इस टेंस की प्लेस के नीचे एक सर्कल बनाना है। ओके, वो क्यों बनाया हमने? क्योंकि हम यहाँ कैरी देने वाले हैं। अब क्या करना है हमें? 6+5, है ना, 6+5 करना है। अब ये क्या है? वंस की प्लेस। हमें पता है कि हमें वंस का एडिशन वंस के साथ करना है। अब 6+5 कितने होंगे? कैसा करेंगे अब हम? हाँ, मैंने बताया है हमारे पास 6 नंबर है और 5, है ना। अब हमें एडिशन करना है, तो अब क्या करेंगे? हमारे पास तो कितने फिंगर है? ओनली 10 फिंगर है, है ना। अगर हम 6 1 time पे निकालेंगे तो फिर 5 कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये जो 6 है वो हमें कहाँ रखना है? यस, हमारे माइंड में। 6 is keep it in our mind, है ना। 6 जो है वो कहाँ रखेंगे हम? हमारे माइंड में। अब 6 में हमें कितने ऐड करने हैं? यस 5 ऐड करने हैं, तो हम निकालेंगे 5 फिंगर। अब माइंड में कितने हैं हमारे? 6। 6 के बाद क्या आएगा? आफ्टर नंबर क्या आता है 6 का? यस 7। तो अब हम 7 से काउंटिंग करेंगे। ओके, 7 8 9 10 11, है ना। अब आया हमारा आंसर, जब हमने 6+5 किया या जब हमने 6 में 5 ऐड किए तब हमें मिला 11। कितना आंसर आया हमारा? 11। अब इस 11 में वंस की प्लेस कौन सी है? यस, इस 11 में 1 की प्लेस ये है, और ये क्या है? यस, सो दिस इज द टेंस प्लेस, है ना। अब यहाँ पे क्या है? सिंपल करना है हमें, कोई बहुत जोर नहीं देना है। सीधा हमने यहाँ पे देखा है वंस की प्लेस टेंस की प्लेस है दिया हुआ। फिर क्या करना है हमें?
ये जो वंस की प्लेस का वन है वो हमें वंस की प्लेस पे राइट करना है, और टेंस की प्लेस पे जो वन आया है वो हमें टेंस की प्लेस पे कैरी करना है। क्या किया हमने, वन जो है वो कैरी ओवर किया कहाँ, टेंस की प्लेस पे, है ना। अगर हम ऐसा लिखते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है ना, ये हमारा आंसर नहीं आता यहाँ। इसलिए हमने क्या किया है, जो वन वंस की प्लेस पे आया था उसे वंस की प्लेस पे राइट किया है, और टेंस की प्लेस का वन हमने यहाँ टेंस की प्लेस पे कैरी दिया है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कैरी दिया हुआ है वन, उस वन का इस टू के साथ एडिशन करेंगे, ओके। और जब इन दोनों का जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ फिर हम इस वन का एडिशन करेंगे। अब हमारे पास कैरी ओवर में कितना दिया हुआ है, वन, ओके, देन प्लस टू। जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, थ्री, है ना। वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ओके। अब थ्री आया, अब हमें थ्री में कितने ऐड करने हैं, हाँ तो थ्री में हमें वन ऐड करने हैं। अब इस थ्री में हमने वन ऐड किया, अब इस थ्री में जब हमने वन ऐड किया तो हमें कितना आंसर मिलेगा, यस फोर, है ना। देखो हमने क्या किया, ये वन कैरी जो दिया था वन, और ये टू, है ना, इन दोनों का पहले एडिशन किया और उनका जो आंसर आया उस आंसर के साथ में हमने फिर इस नंबर का एडिशन किया। टोटल मीनिंग क्या है कि हमें इन तीनों नंबर का एडिशन करना है, और वो हमने सीखा है थ्री डिजिट नंबर का एडिशन करना, है ना। सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है कि जो कैरी में हमने वन दिया है उसे हमेशा ऐड करना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं और कैरी का जो वन है वो उसे ऐड करना भूल जाते हैं, तो वो हमें करना नहीं है। ये जो कैरी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, उस कैरी को हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो अब हमारा आंसर कितना आया, वन प्लस टू थ्री, एंड थ्री प्लस वन फोर। इस प्रॉब्लम को कहते हैं कैरी का मीन्स रीग्रुपिंग, है ना। हमने ग्रुप बनाया ना, यहाँ पर बनाए ग्रुप, हाँ, तो इस तरह से अब हमें फोर डिजिट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ये हमने आपको टू डिजिट का बताया, सभी को समझ आया, ओके। अब इसी तरह से हम थ्री डिजिट का भी कर सकते हैं, और अब हम सीखेंगे फोर डिजिट का, ओके। अब फोर डिजिट का प्रॉब्लम हम एक यहाँ पर प्रॉब्लम राइट करेंगे, हम्म। चलो तो सबसे पहले नाइन नाइन एट फाइव, ओके। देन अब हम यहाँ राइट करेंगे थ्री फोर टू देन वन, ओके। अब क्या करना है हमें यहाँ, यस प्लस का साइन देना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना हमें क्या करना है, हाँ। तो कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ पर साइन देंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हम इन्हें नेम्स देंगे। अब नेम्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर कैरी देने के लिए सर्कल बनाएंगे, ओके। बनाया सर्कल, चलो अब प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें, हाँ। सबसे पहले कहाँ से करेंगे हम, यस वंस का एडिशन, वंस के साथ, वंस की प्लेस से स्टार्ट करना है। चलो तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, नाइन प्लस थ्री, वंस की प्लेस से क्या करना है, नाइन प्लस थ्री, कौन से नंबर है, नाइन प्लस थ्री। तो अब हमें सबसे पहले नाइन प्लस थ्री करना है। इजी स्टेप पता है आपको, नाइन के बाद में थ्री फिंगर निकालो और काउंट करो,
क्या आएगा 9 के बाद? यस 10, 11, 12, है ना। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 का आफ्टर नंबर यस 10, 10, 11, 12। 3 नंबर हमने काउंट किया, कितना मिला आंसर हमें? 9 + 3 किया तो 12 आया ना, 10, 11, 12, 9 + 3, 12 आया 12। अब 12 आंसर आने के बाद में क्या करना है हमें यहाँ? यस 2 इज द वंस एंड 1 इज द टेंस। अब 2 को हम कहाँ राइट करेंगे? यस 2 को हम वंस की प्लेस पे राइट करेंगे। और 1 क्या करेंगे? यस 1 को हम कैरी ओवर देंगे। कहाँ देंगे कैरी ओवर? यस टेंस की प्लेस पे, है ना। यहाँ पे हम इसे कैरी ओवर 1 देंगे टेंस की प्लेस पे। ओके अब क्या करेंगे हम? अब हम इन तीनों का एडिशन करेंगे। ओके सबसे पहले हमने क्या किया था? वंस का एडिशन वंस के साथ किया था। अब हम क्या करेंगे? टेंस का एडिशन करेंगे। अब टेंस की प्लेस पे कितने नंबर्स दिए हैं हमें? यस 3 नंबर, क्योंकि कैरी ओवर भी हमें काउंट करना है। हाँ सो 1 + 9, 1 + 9 + 4 इस तरह से करना है हमें। ओके सो 1 + 9, 10 एंड 10 + 4 यस 14, 1, 4, 14। ओके सो कितने आए हमारे पास? 14। अब क्या करेंगे हम फिर से? हाँ तो ये जो 4 है वो हम यहाँ टेंस की प्लेस पे राइट करेंगे, और ये जो 1 है वो कहाँ पर आएगा? अभी फिर से हम टेंस की प्लेस पे देंगे क्या? नहीं, तो ये हम कहाँ देंगे? 100 की प्लेस पे हम इसे कैरी देंगे। ओके अब आप क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, 100 का एडिशन करेंगे। फिर से कितने नंबर हैं हमारे पास? 1 + 8 + 2। चलो 1 + 8, 9, 9 + 2, 9 + 2, 9 के बाद कितने फिंगर? यस 2 फिंगर। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10, 11 आएगा, है ना। 1 + 8, 9, 9, 10 एंड 11। ओके देन फिर हम 1 यहाँ, और 1 कैरी कहाँ देंगे? 1000 की प्लेस पे। अब हम इनका एडिशन करेंगे। ओके सो 1 + 5, 6 एंड 6 + 1, 7। ये तो फटाफट आना चाहिए, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें जस्ट उसका आफ्टर नंबर मिलता है, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 + 5 किया तो कितना आया? 6। अब 6 + 1 करेंगे तो 7। तो ये आया हमारा पूरा आंसर। अब इस आंसर को हम कैसा रेट करेंगे? 7142, है ना। और इस प्रॉब्लम को कहते हैं 4-digit numbers with regrouping। समझ आया किस तरह से हमें 4-digit का regrouping करना है? ओके अब आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगी और वो प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके चलो तो मैं यहाँ प्रॉब्लम राइट कर रही हूँ, आपको भी वो नोटबुक में राइट करना है और नोटबुक में उसे सॉल्व करना है। तो हम प्रॉब्लम लेंगे 7429 और उसमें हमें ऐड करना है 1675। ये है हमारा प्लस का साइन, और इस प्रॉब्लम को आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। एक बार समझा दूँ आपको, क्या करना है सबसे पहले यहाँ? यस नेम्स राइट करने हैं, वंस,
टेन्स, हंड्रेड, देन थाउजेंड। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल है ना कैरी ओवर देने के लिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वंस का एडिशन। वंस का एडिशन जो आंसर आएगा वो राइट करके कैरी देना है। फिर टेन्स का एडिशन, फिर यहाँ कैरी देना है, फिर हंड्रेड का एडिशन, देन थाउजेंड की प्लेस का एडिशन। इस तरह से आपको 7429 में 1675 ऐड करके उसका आंसर निकालना है। ओके, थैंक यू।